सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था. हम लोगों ने पढ़ा था फाइव टाइप के पीपल होते हैं. सेंट्रोइड होता है, सर्कम सेंटर होता है, देन इन सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है और एक्स सेंटर होता है, राइट? यस मैम, यस सर. तो फिर हमने ये पढ़ा था रिजिड मीन्स जो लोग अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, और फ्लेक्सिबल मीन्स जो ट्राइंगल का नेम चेंज होने से पोजीशन चेंज कर लेते हैं, राइट? तो आप लोगों ने यस पढ़ा मैम, कि सेंट्रॉइड और इन ऑर्थो सेंटर। सर्कुम सेंटर, सॉरी सर्कुम सेंटर, हाँ यस ऐसे कर लो. सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर जो है वो रिजिड है, सर्कुम सेंटर और जो आपका दूसरे वाला ऑर्थो सेंटर वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, राइट? क्लियर. यस और यस एक्स मैम, हम बच्चे हैं जिनकी जिनकी कोई वैल्यू नहीं है किसी डिस्कशन में, राइट? क्लियर. यस मैम। ओके ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड. आज हम पढ़ेंगे, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यस होगा, मैम, ठीक है जी? ये आप लोगों को जो नोट्स दिए जाते हैं ये सबसे बेस्ट मटेरियल होता है. अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि हम मेंस एडवांस के बहुत नियर बाय पहुंच गए, ठीक है जी? तो चले, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ठीक है? आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, पर हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा, क्लियर? अब देखिए, कहते हैं एक होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री टू की. होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है? वैसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल दोनों होते हैं, क्लियर? सबको क्लियर है? होमोजीनियस मींस जो भी आप इक्वेशन की बात कर रहे हो पॉलिनोमियल की, वो एक्स और वाई दोनों में होगी, क्लियर है बात? यस डिग्री मैम, होगा तो कैसी टाइप की दिखेगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. ये आपको हमेशा क्या करेगी, शो करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन से कैसे पता चला? जब 0,0 पुट किया तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा. सबको इतनी बात क्लियर है, ठीक है? फिर यस आपको मैम, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी जो लाइंस है वो रियल है, डिस्टिंक्ट है, कॉन्सिडेंट है कि इमेजिनरी दे रही है? तो दे सेड कि जब एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए बी होगा तो लाइंस क्या होंगी, रियल और डिस्टिंक्ट होगी. जब एच स्क्वेयर ए बी के बराबर हो जाएगा तो लाइंस को इंसिडेंट कर जाएगी, क्लियर? और जब एच स्क्वेयर लेस देन ए बी होगा, इट मीन्स जो आपकी लाइंस है वो इमेजिनरी है और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन है, जिसको आपने बोल दिया रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्लियर बात सबको? यस मैम, ठीक है. तो इन द सेम वे, जैसे आपने बात की कि होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री टू की है, वैसे ही अगर होमोजीनियस डिग्री एन की हो तो वो भी क्या शो करेगी, रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन, एन स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास होती है. जैसे यहाँ पे हमने बात कर लिया कि अगर डिग्री टू है तो दो स्ट्रेट लाइन पास होंगी, अगर डिग्री एन होगी तो कितनी स्ट्रेट लाइन एन पास होंगी, एन होंगी कहाँ से, ओरिजिन से. इज इट क्लियर टू एवरीवन यहाँ तक? यस मैम, बोलिए साक्षी, यस समझ नहीं आई? आ गया। ओके. तो आपके पास दो लाइंस है, लेट्स सपोज एक लाइन है y इज इक्वल्स टू एम वन एक्स और दूसरी है y इज इक्वल्स टू एम टू एक्स. ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपको क्लियर है कि जो मेरी लाइंस है वो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से. ये बात क्लियर है ना आपको कि आपकी लाइंस जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है? तो अगर वो ओरिजिन से पास कर रही है तो कैसी होगी, y इज इक्वल्स टू एम वन एक्स एंड y इज इक्वल्स टू एम टू एक्स. ये दो इक्वेशंस होंगी जो आपकी इन दो इस पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, राइट माई डियर स्टूडेंट? सौरभ क्लियर? यस मैम, तो आपने क्या सोचा कि यहां से मुझे ये पता चला कि जो एम वन प्लस एम टू है वो किसके बराबर होगा, माइनस टू एच अपॉन बी के, और जो एम वन इंटू एम टू है वो ए अपॉन बी के. ये क्लियर कंडीशन है, ये हमें याद करनी है, क्लियर है बात? डन. यस मैम, ओके ग्रेट. अब देखिए इसको कैसे इन्होंने बनाया. अब सोचो, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, आप लोग गो थ्रू कर लेना, अदरवाइज ये हमारा कंसर्न नहीं है. हमें तो यही चाहिए कि दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, कौन सी दो लाइन उसमें से हो सकती है जिनकी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी,
M1 plus M2 में क्या रिलेशन है, M1 into M2 में क्या रिलेशन है, अगर H square greater than AB है तो real and distinct है, equals to AB है coincident है, less than AB है तो imaginary है, clear है बात? Explanation is just, yes, speak up. मैम जो ये सेकंड पॉइंट है इसमें y is equals to m1x है तो फिर मैम इसमें x और y मतलब मैम मतलब इनकी वैल्यू दोनों में सेम रहेगी m1 और m2 के दो लाइंस है ना, दो लाइंस है x1 y1 जो भी आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है. सपोज देखिए अगर आप बोलोगे कि ओरिजिन तो ये रहा, एक लाइन यहां से पास हो रही है यहां पे, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है. अगर ये लाइन y is equals to m1x है तो y is equals to m2x है. स्लोप तो चेंज हो रही है ना. फिर मैम ये y1 x1 लेके भी समझ सकते हैं ना. समझ सकते हो लेकिन लेकिन आपका जो फाइनल इक्वेशन है उसमें भी x और y तो सेम एक ही है ना, तो आप ये नहीं सोच सकते कि y और x ये सेम है तो इक्वेशन सेम बनेगी. स्लोप चेंज है. अगर सपोज m1 की वैल्यू 2 है, हो सकता है m1 m2 की वैल्यू 3 हो. ठीक है, तो लाइन कैन बी y इज इक्वल्स टू 2x, लाइन कैन बी y इज इक्वल्स टू 3x और जैसे भी चेंज हो सकती है. क्लियर है? यस मैम. ओके, अब इसके बाद आपके पास आता है एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0. अब देखिए, अब आपके आपको पता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है कौन सी दो लाइंस आती है, ये भी क्लियर है. क्लियर है सबको? यस मैम. फिर आपको tan थीटा का फॉर्मूला भी आता है? यस मैम. यस मैम. m1 minus m2 को आप m1 plus m2 का होल स्क्वायर minus 4 m1 m2 भी लिख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि yes, m1 plus m2 की वैल्यू पता है, m1 into m2 की वैल्यू पता है, राइट? यस मैम. तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में सॉल्व करने के बाद tan थीटा का जो फॉर्मूला आया वो मेरे पास आया, दिस इज इक्वल्स टू 2√h²-ab/a+b. क्लियर है बात? यस मैम. सिंपल है. अगर हमें जे ही करना है तो थोड़ी सी लेबर तो करनी पड़ेगी ना, कुछ तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें भी आएंगी. तो ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, मेरे को लग रहा है h²ab आपको पता है, तो 2√h²-ab/a+b. क्लियर है? यस सर. ठीक है, अब इसके लिए ये लाइंस आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी लाइंस परपेंडिकुलर है, कोइंसिडेंट है या इक्वली इंक्लाइंड है? तो हम देखेंगे कि अगर मेरी लाइंस जो है वो राइट एंगल पे एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो जीरो होगा, क्योंकि टेन थीटा जो है वो इन्फिनिटी होता है 90 पे. यस मैम. तो आपको क्या पता चला कि कोफिशियंट ऑफ x² एंड कोफिशियंट ऑफ y² का सम अगर जीरो हो गया तो मेरी लाइंस जो होंगी वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी, राइट? कोइंसिडेंट आपको ऑलरेडी पता है कि अगर h²ab के बराबर हो जाए, मतलब tan थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर ये जीरो है तो tan जीरो कब होएगा, जीरो डिग्री पे, तो कोइंसिडेंट होगी. इट मींस अगर h²ab के बराबर होगा तो मैं बोल सकती हूँ मेरी लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है. यस मैम. इक्वली इंक्लाइंड कैसे पता चलेगा, अगर xy जो कोफिशिएंट है xy का वही जीरो हो जाए तो आपकी लाइंस क्या होंगी, इक्वली इंक्लाइंड हो जाएंगी. यस मैम. क्लियर है सबको? मैम एक बार ये लास्ट वाला पॉइंट बता दो. हाँ जी, दे सेड कि अगर आप बोलो कि मेरी लाइंस जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस से तो जो मेरा एच होगा वो जीरो होना चाहिए. ओके okay. हाँ जी, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस. अब जो लाइंस है उनके बीच में एंगल बाइसेक्टर. अगर अच्छा, आप लोगों ने एंगल बाइसेक्टर वैसे पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई लाइन है ax a1x b1y c1 equals to 0 और दूसरी लाइन है a2x b2y c2 equals to 0, अगर इनका एंगल बाइसेक्टर निकालना हो तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स? की है आपने? नो मैम. तो देखो क्या होता है, a1x b1y c1 अपॉन √a² + b² इज इक्वल टू ± a2x b2y c2 अपॉन √a² + b² बात क्लियर हुई? हाँ जी, क्लियर है.
नो मैम, ये फॉर्मूला है एंगल बाइसेक्टर्स का ना, कि अगर दो लाइंस दी हैं, उनके जो भी सपोज आपके पास ये दो लाइंस थी, ये दो लाइंस है, इनके एंगल बाइसेक्टर कौन से होंगे, या तो ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा। यस मैम, तो इनकी इक्वेशन ऐसे निकलती है, फर्स्ट लाइन अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सेकेंड लाइन अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? यस नो? ओके। तो आपने पढ़ा कि अगर मेरे पास ये वाली लाइन है, तो इससे दो लाइंस होती है, या तो वाई इज इक्वल्स टू एम वन एक्स होएगा या वाई इज इक्वल्स टू एम टू एक्स होएगा। साक्षी, और यस आपने ये भी पढ़ा कि एम वन प्लस एम टू जो है वो माइनस टू एच अपॉन बी के बराबर है, और जो एम वन इंटू एम टू है वो ए अपॉन बी के बराबर है, राइट? तो अगर ये दो लाइंस है, इनका एंगल बाइसेक्टर भी सेम इसी फॉर्मूला से निकाला हमने, चेक करो, राइट? वाई वन माइनस एम वन एक्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई वन वाई माइनस एम टू एक्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात यस सबको? यस मैम ठीक है। अगर आप इसको उस तरफ ले जाओ, तो एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा। यस मैम ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये वाली टर्म बनी। और यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यूज पुट करने की कोशिश करोगे, कोशिश करोगे कि ये इस तरीके से बन जाए कि आपको ए और बी की फॉर्म में चला जाए। तो दे सेट कि जब इसको सॉल्व करोगे, आप पूरा सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, माइनस टू एच अपॉन बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए माइनस बी एक्स इंटू वाई। तो इतना लेंथी आ गया, हमें याद करने की जरूरत नहीं। वी विल ट्राई कि अगर हम इसका क्वेश्चन करेंगे या आएगा, तो ऊपर से ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? ठीक ओके मैम यस मैम है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे सेड द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम एक्स वन वाई वन। अगर इस लाइन्स पे कोई परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, तो पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ये है, तो उनका क्या होगा, सिंपली ए एक्स वन स्केयर टू एच एक्स वन वाई वन बी वाई वन स्केयर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। कैसे होगा, ए माइनस बी का स्केयर प्लस फोर एच स्केयर। क्या बात क्लियर हुई? मैम इसका एक बार ग्राफ बना के बता दो। देखो आपने बोला कि मेरे पास दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, राइट? तो इनके ऊपर यस कोई मैम परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा और एक मेरे पास परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा। तो इन दोनों परपेंडिकुलर की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, जो भी इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, उनकी प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या आएगा, ए एक्स वन स्क्वायर। एक पॉइंट से अगर ड्रॉ किए, सपोज मेरे पास ये लाइन सी, एक ही पॉइंट से मैंने ड्रॉ ड्रॉ किया है, तो एक ही ऐसे ड्रॉप होगा, एक ऐसे ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है बात? ये यस मैम एक्स वन वाई वन है। अगर एक पॉइंट से, वो एक पॉइंट की बात करें, इसको छोड़ दो फिर। क्लियर है बात? हाँ जी। यस मैम ओके। फिर आपके पास मैम एक बार इक्वेशन नोट करनी थी वो। कर लो। मैम नेक्स्ट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन क्या होगी, आप लोगों ने तो सिर्फ इतनी सी इक्वेशन पढ़ी है ना। यस मैम ठीक है जी। तो दे सेट जनरल, मतलब जनरल जहां पे शुरू हो गया, कि पूरे कॉनिक सेक्शन में भी जब आप जाओगे, तो किसी भी चीज की जनरल इक्वेशन यही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? तो ये यस लाइन मैम स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी, जैसे जब आपके पास हो जाए ए बी सी टू एफ जी, मतलब इसको छोड़ दो, ये तो याद होना मुश्किल है, इट्स क्वाइट टीडियस। तो हमें क्या करना है, ए एच जी, ए एच जी बी एफ एफ सी,
क्लियर है? बोलिए। नो मैम। ए एच जी, ठीक है, ये भी एक्स का कोफिशिएंट है, ये भी एक्स के पास है, ये भी एक्स के पास है, फिर एक्स किसके पास है, वाई इसके पास है, वाई है, वाई है, ठीक है, फिर इन दोनों के पास क्या है, सिर्फ एक्स सिर्फ वाई, ना वन डिग्री वाली, ये वन डिग्री और ये कॉन्स्टेंट, मतलब ये याद करना पड़ेगा कैसे लिखना है, ए एच जी एच एफ सी जी एफ सी, क्लियर? यस मैम। ये याद ही रखना पड़ेगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट चीज है, डिटर्मिनेंट मैंने आपको बता दिया था कैसे सॉल्व करते हैं। सो थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ जनरल इक्वेशन इज सेम एज अ बिटवीन टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस पार्ट, जो हमने पीछे किया है थीटा वैसे ही इसमें होगा थीटा, क्लियर है? क्वेश्चंस करेंगे yes, हो जाएंगे। यस मैम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल, यस मैम। यस मैम। They said prove that x square minus 4xy plus y square x plus y is equals to 1 enclose an equilateral triangle. Find also its area. Take your time, at least 5 minutes to think about this question. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो है, इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, दैट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, यही था? यस मैम। ठीक है, और आपने पढ़ा कि जो मेरे पास टेन थीटा है उसका फॉर्मूला था टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इन द मॉडुलस, यही था? अब मेरे को ये बताओ ए की वैल्यू कितनी है, वन, एच की, टू एच की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर, इट मीन्स एच की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस टू, और बी की वैल्यू भी कितनी है, वन, क्लियर है ये बात? यस मैम। तो टेन थीटा निकल आएगा, कितना आएगा, मॉडुलस टू अंडर रूट थ्री, फोर माइनस वन अपॉन टू, रूट थ्री आ गया, दैट मीन्स 60 डिग्री आ गया ना थीटा। यस मैम। ठीक है, अब फिर से इस इक्वेशन के बारे में सोचो, जब आप फिर से इस इक्वेशन के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये पता चला, इसके कंप्लीट करो, स्क्वायर्स कंप्लीट करने की कोशिश करो, आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस, अगर मैं फोर वाई स्क्वायर कर दू माइनस थ्री वाई स्क्वायर कर दू, कोई प्रॉब्लम है लिखने में? ये आपके पास x माइनस टू वाई का होल स्केयर बन गया, माइनस रूट थ्री वाई का होल स्केयर बन गया, इक्वल्स टू जीरो, बताइए। सो दिस इंप्लाइज x माइनस टू वाई प्लस रूट थ्री वाई, वेट, और x माइनस टू वाई माइनस रूट थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है बात? मैम जो आपने ये लिखा है ना येलो में, वो वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखिए आपने क्या किया, आपने सिर्फ y स्क्वायर को 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बना लिया, क्योंकि मेरे को 4xy को स्प्लिट करके बना कि अगर x स्क्वायर ऑलरेडी है 4x means that means 2 into 2xy, x x है तो y के साथ 2, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर करूँ तो क्या बनेगा, y स्क्वायर ही बनेगा, तो इसको मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा के कंबाइन कर लिया। yes, ma'am. तो आपके पास दो इक्वेशंस नहीं आ गई, चेक करो, आपके पास एक इक्वेशन आ गई कि x माइनस टू माइनस रूट थ्री इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस टू प्लस रूट थ्री वाई इंटू जीरो, वही बन गया ना y
is equals to m1x, y is equals to m2x. Clear? Yes, ma'am. ठीक है, done? Yes, ma'am. ठीक है, अब क्या करोगे? अब इस लाइन का एंगल ये फर्स्ट लाइन के साथ निकाल लो, tan theta. इसकी स्लोप कितनी आएगी? माइनस वन. और इसकी स्लोप कितनी आएगी? वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री. डियर स्टूडेंट्स, यस मैम, जब इसको सॉल्व करोगे इन दोनों लाइंस के बीच में जो टेन थीटा है वो भी कितना आ जाएगा? रूट थ्री. तो ये थीटा भी आपके पास 60 डिग्री आ गया. क्लियर है? यस मैम. ठीक है, तो अगर लाइंस जो है पेयर ऑफ लाइंस भी 60 बना रहा है, ये दो लाइंस के बीच में भी 60 है, तो थर्ड एंगल भी डेफिनेटली क्या होगा? 60 ही बनेगा. यस मैम. तो इट मींस ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. यस मैम. ठीक है, अब आपको निकालना था इस केस में एरिया, राइट? क्या निकालना था? एरिया. अब आपको पता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पेयर ऑफ लाइंस का, वो कहां पे था? याद करके बताओ. इस 0,0 वी ऑलरेडी नो. यस मैम. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0 फ्रॉम ओरिजिन कितना आ जाएगा? That will be 0 x plus y minus 1 na? 0 plus 0 minus 1 upon root 2. तो आपके पास 1 upon root 2 distance आ गया. क्या यहाँ पे clear है? No ma'am. क्यों? मैम आपने distance का formula कैसे लगाया है? Distance का formula हमने देखा था last class में कि a x plus by plus c equals to 0 है, किसी पॉइंट x1 y1 से डिस्टेंस लगाना है, तो a x1 plus b y1 plus c upon root a square plus b square बनता है. यस मैम. वही फॉर्मूला लगाया डियर. क्लियर है? यस मैम. यस मैम. ठीक है, अब आपने माना कि लेट a b आ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है जी, तो आपको ये पता है कि a साइन 60 जो होगा वो मेरा h के बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज देगा, हाइट देगा बेसिकली. ये सुन लो, तो h किसके बराबर आ गया? h a किसके बराबर आ गया? h अपॉन साइन 60. और h तो आपने ऑलरेडी निकाला है, ये डिस्टेंस, तो 1 अपॉन रूट 2 अपॉन साइन 60, रूट 3 अपॉन 2. यस मैम. सही बोला मैंने, रूट 3 अपॉन 2 होता है. तो डियर एरिया किसके बराबर आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, या फिर अगर हाफ इंटू बेस नहीं, इक्विलेटरल के ट्रायंगल में आप क्या लोगे? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3 बाय 4 साइड स्क्वायर, इट मींस रूट 3 बाय 4 इंटू 2 बाय 3. तो कितना बनेगा? 2 टू द 4, 1 अपॉन 2 रूट 3 बनेगा एरिया. यस मैम. क्लियर है सबको? शुड आई रिपीट? देखिए ध्यान से, देखिए एक बार और रिपीट कर. हाँ, देखिए देखिए आपको क्या क्या दिया है. एक पेयर ऑफ लाइंस दिए, एक सिंगल लाइन दिया, कहते हैं इन दोनों लाइन दोनों दो लाइंस ये होगी, एक लाइन ये होगी, तो एक ट्राइंगल बन रहा है. आपने पहले पेयर ऑफ लाइंस में एंगल निकाल लिया पेयर ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा के, फिर उससे लाइन की इक्वेशन भी निकाल ली आपने, तो आपको एक लाइन और एक ही गिवन लाइन के बीच में एंगल निकाला 60. अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल 60 है तो डेफिनेटली वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इतनी बात क्लियर है टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स? यस मैम. ठीक है, फिर आपको एरिया निकालना था. वो आपने इतना पढ़ा था कि जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है पेयर ऑफ लाइंस का वो ऑलवेज क्या होता है? ओरिजिन. तो ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली जो थर्ड लाइन दी थी. फिर अगर आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ से आप 90 डिग्री ड्रॉ करते हो, तो ये एंगल 60 है,
और आपकी ये साइड है, तो ये 90 है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि आपका ये किसके बराबर होगा, ए किसके बराबर होगी, एच साइन 60। तो आपने वैल्यूज पुट की, क्योंकि हाइट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, रूट 3/4 ए स्क्वायर, वैल्यू पुट की, आपके पास आंसर आ गया। चाहे तो आप लिख दो 1/2√3, चाहे आप लिख दो क्या। डियर फ्रेंड्स, मेरी साउंड नहीं आ रही आप लोगों को? मैम आ रही है। नितेश, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख लो डियर। सो पता चला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? Yes, ma'am. अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सोच सकते हो। सो फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। इट मींस एक इक्वेशन दी है, अगर इससे दो इक्वेशन आपको मिल जाए तो आपको तीनों पॉइंट्स पता चल जाएंगे। Yes, ma'am. तो आप इसके कैसे निकालोगे? देखो अगर आपको उलझन लग रही है ना, 12x² - 20xy, ठीक है, प्लस 7y² = 0, क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. अब देखो होल स्क्वायर तो नहीं बन पा रहा, तो 12 × 7 मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 84। Yes, ma'am. 14 × 6 भी 84 होता है। Yes, ma'am. देखो बन गए फैक्टर, यहाँ से क्या आ गया, 2x कॉमन आ गया, तो आपके पास बचा 6x - 7y, और यहाँ से -y कॉमन आ गया, तो आपके पास बचा 6x - 7y = 0। तो आपके पास दो इक्वेशन कौन कौन सी बन गई, एक बन गई 2x - y = 0 और दूसरी बन गई 6x - 7y = 0। क्या बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. और थर्ड इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, वो आपके पास है 2x - 3y + 4 = 0। तो आपको क्या करना है, इन दो का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इन दो का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इन दोनों का निकालना है। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। Yes, ma'am. तो जब कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सौरभ, तो आप क्या कर सकते हो, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। सेंट्रॉइड रिजिड है, फ्लेक्सिबल है? मैम रिजिड है, और मैम उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 / 3, और सेम y कोऑर्डिनेट के लिए भी। तो बस ये फॉर्मूला लगा दोगे, बताओ क्लियर है सबको? यस मैम। क्या किसी, अब यार इतनी तो चीज आप लोगों को क्लियर है ना, कि इन दोनों का जो पॉइंट है वो तो 0,0 ही होगा, क्योंकि आपको पता है पेयर और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन होता है। यस मैम। तो एक पॉइंट तो ऑलरेडी पता है, सिर्फ दो पॉइंट्स निकालने निकल जाएंगे। Yes, तो अब लग रहा है ना पेयर और स्ट्रेट लाइन इतना भी कुछ नहीं था। Yes, ma'am. लास्ट के दो लेक्चर बुक में के नहीं है ना, तो फिर इसमें प्रॉब्लम आ रही है बस। कैसे? मतलब ये जो लास्ट में, मतलब आपने जो दो लेक्चर लिए मैम, जो इससे पहले लिया था और आज वाला, मैम ये वाले टॉपिक पहले मतलब बुक में नहीं है ना। हाँ तो फिर आपने तो जे ही देना है ना। Yes, ma'am, but अभी बुक में नहीं था तो पढ़ा नहीं था, इसलिए अभी नया नया लगता है। Definitely ऐसी चीजें होंगी, फिर सर्कल्स पढ़ोगे, सर्कल्स तो क्लास में आपने क्या किया होगा, जनरल इक्वेशन की होगी, रेडियस किया होगा, सेंटर फाइंड करना किया होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इतना ही किया होगा ना सर्कल में से। Yes, ma'am. और ये जो स्ट्रेट लाइन कोनिक है ना, मैंने आपको कल ही बता दिया था, दे हैव लॉट ऑफ वेटेज फ्रॉम क्लास प्लस वन इन योर मेंस, क्योंकि प्लस वन की गिनती के ही चैप्टर्स आते हैं मेंस में, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें स्ट्रेट लाइन और कॉनिक पूरा आता है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो फटाफट बताओ। अरे क्या यार मैडम, कुछ भी क्वेश्चन दे देते हो। कैसे करोगे बताओ? मैम ये जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्म में, तो इसे हम ब्रेक करेंगे। हाँ ये तो आपके पास वो वाली फॉर्म है ना जो बाद में हमने की थी, मींस आपके पास इक्वेशन है 4x² + 4xy + y² - 6x - 3y - 4 = 0, क्लियर है बात? यस मैम।
ठीक है ना? यस मैम। ठीक है, फर्दर मतलब इसको थोड़ा ईज करने के लिए देखो, अगर सिर्फ ये वाली इक्वेशन होती तो मेरा काम चल जाता, अब पीछे ये इतना कुछ भी दे रखा है कि नहीं। यस मैम। तो हमने सोचा कि जो भी मेरी टाइप बनेगी, ये तो किसका होल स्क्वायर बन रहा है, 2x प्लस y का होल स्क्वायर बन रहा है ना? यस मैम। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को ये लिख सकती हूँ कि भैया तू तो ये बन जा कि मुझे लग रहा है, मैं तेरे को लिख सकती हूँ 2x प्लस y प्लस a कोई भी नंबर इंटू 2x प्लस y प्लस b कोई भी दूसरा नंबर ऐड हो रहा होगा बीच में, आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट। यस मैम। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं मेंस के, सीधा नहीं हो सकते कि आप सोचो सॉल्व हो जाएंगे, इनको सॉल्व करो, आपके पास बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xb, राइट? इन द सेम वे प्लस फिर आप बनाओगे y से 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस yb, ठीक है? फिर प्लस 2ax प्लस ay प्लस ab, राइट? इज इक्वल्स टू 4x square plus 4xy plus y square minus 6x minus 3y minus 4. Clear है ये बात सबको? Yes ma'am. अब coefficient compare करो, आपको दिमाग लगाने हैं। 4x square तो cancel हो गया, y square भी cancel हो गया, 2xy plus 2xy 4xy से cancel हो गया, बताओ clear है इतनी बात? Yes ma'am. अब a के साथ x के साथ देखो 2ax है और 2xb है, इट मीन्स 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स जो है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस 6x के। यस मैम। ए प्लस बी माइनस 3 के इक्वल हो गया ना? यस मैम। इन द सेम वे वाई वाले देखो, ए प्लस बी माइनस 3 के इक्वल हो गया, अब क्या बचा कॉन्स्टेंट, तो ए इंटू बी माइनस 4 के इक्वल हो गया, क्या ये बात क्लियर है डियर एवरीवन? यस मैम। तो यहां से क्या आप ए बी सॉल्व कर सकते हो? यस मैम। ठीक है ना, अब ये मत बोलना कि ये पूरा इस, ये अगर ये दोनों इलिमिनेट हो रहे इट मीन्स यहां से तो वैल्यू लेना ही नहीं है ना, यहां से वैल्यू यहां पे पुट करो, तो यहां से ए आपके पास आ जाएगा माइनस 4 और बी आ जाएगा 1, क्लियर है बात? यस मैम। तो आपके पास ये दो इक्वेशन थी, देयरफॉर मेरी इक्वेशंस क्या बन गई डियर स्टूडेंट्स, देखिए 2x plus y सॉरी माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन बन गई 2x plus y plus 1 इक्वल्स टू 0, क्लियर है बात? यस मैम। और क्या ये लाइंस पैरेलल है? यस मैम। तो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस फार्मूला होता है c1 minus c2 upon root a square plus b square होता है। यस मैम। बस फॉर्मूला तो वही लगा है ना, फॉर्मूला क्या लग गया, माइनस 4 माइनस 1 अपॉन रूट 4 प्लस 1, तो आपके पास बना 5 अपॉन रूट 5, दैट मींस रूट 5 यूनिट्स, बताओ क्वेश्चन खत्म हो गया? यस मैम। हाँ जी, पता चला कि मतलब फॉर्मूलाज तो वही है, बस ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ने थोड़ा सा आपको एक ट्रिकी मेथड बता दिया कि सॉल्विंग कैसे करनी है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप लोग कर सकते हो। मैम। हाँ जी बोलिए हर्षिता। 2x plus y plus a और ये plus b क्यों लिखा? देखो आप, मेरे को पता था कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये कुछ ऐसी टर्म्स है, क्योंकि इतनी वाली का तो 2x plus y का होल स्क्वायर बन गया। यस मैम। इसके आगे कुछ टर्म आएगी, वो कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता, तो मैंने a और b ले लिया, उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके मैंने a और b को इवेलुएट कर लिया, तो अल्टीमेटली मेरे को ये पता था कि जो ये वाली दो एक लाइन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की प्रोडक्ट है, तो मैंने ये दो लाइंस अज्यूम कर ली, और ये भी पता है कि पैरेलल लाइंस ही होती हैं, क्लियर है बात? यस मैम। यस मैम। हाँ जी बोलिए, बोलने किसी को? नो मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है,
यस मैम। अब आपको दिया है द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू लाइंस वन ऑफ विच इज। एक लाइन ऑलरेडी दे रखी है, दूसरी लाइन आपको फाइंड करनी है, बताओ कैसे करोगे? मैम पहले जो बाइसेक्टर और जो एक लाइन की क्वेश्चन दिया उसके बीच का एंगल निकालेंगे, फिर मैम वो ट्वाइस हो जाएगा। ओहो ओहो वाह, लाइन आपको दी है 2x plus 3y plus 1 is equals to 0, ठीक है जी? मैं twice नहीं होगा, मतलब same रहेगा। हाँ, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, bisect मैं बोलूँगी। देखो कितनी speedily आपको पता है, तो थोड़ा solve कर लेते हैं। मैम वैसे यही concept use होगा? कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन आप intersection of line निकाल सकते हो ना? देखिए एक लाइन है ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक लाइन ये जा रही है, ये आपकी एल लाइन है सपोज, ठीक है जी, और ये बी लाइन है बाइसेक्टर, ये एल है, इट मीन्स यहाँ पे कोई दूसरी लाइन एल वन होगी और इसके बीच में से कोई बाइसेक्टर जा रही होगी बी। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, क्या आपने कंसेप्ट पढ़ा है लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस? अगर एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो नई लाइन पास होगी उसकी इक्वेशन क्या होती है? L1 plus lambda times L2 होती है equals to zero। क्या आपने इक्वेशन पढ़ी है? No, ma'am। तो इसको माइंड कर लो, ठीक है? इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, क्लियर है? तो क्या बनेगी? L1 plus lambda time L2 is equals to 0। क्या बात क्लियर हुई? Yes ma'am। तो मैम वहाँ पे जो आपने लाइन और बाइसेक्टर की क्वेश्चन लिखी है ना, फिर मैम वो उल्टी लिखी हुई है। हाँ ठीक है, सही है सही है। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे कर ले, चलेगा? ये पूरा इरेज कर लें, चलो इरेज कर लेते हैं। ओके, तो लाइन आपके पास है 3x plus 2y plus 4 equals to 0 और बाइसेक्टर है 2x plus 3y plus 1 equals to 0, क्लियर है? यस मैम। तो इट मींस जो उनके पासिंग पॉइंट से पास हो रही है थर्ड लाइन L1, जिसकी क्वेश्चन फाइंड करनी है, वो क्या बनेगी? 3x plus 2y plus 4 plus lambda times 2x plus 3y plus 1 equals to 0, क्लियर है बात? यस मैम। ओके, आगे क्या सोचोगे? मैम ये lambda की वैल्यू कहां से लाएंगे? वही तो फाइंड करनी है। अच्छा, अब सोचो कि जिस पॉइंट से L और B पास हो रहे हैं, उसी पॉइंट से L1 पास होगा। यस मैम। तो कैन वी फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L एंड B? कितना आगा बताइए, कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे? जीरो जीरो। हाँ जी हम जीरो 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 आ रहे हैं बाइसेक्टर में से पास होने से। बेटा पेयर ऑफ लाइंस नहीं है, 3x plus 2y plus 4 equals to 0, इसको अगर इसको मेरे को करना चाहिए था 2 से मल्टीप्लाई, और मेरे को फिर से करना पड़ेगा इसको इरेज करके, एक 2 से 3 से, राइट? ऑपोजिट मल्टीप्लाई होंगे, तो जब इसको 2 से किया तो 6x plus 4y plus 8 equals to 0, और इसको जब किससे किया 3 से, तो 6x plus 9y plus 3। मैम y की वैल्यू बताए। हाँ जी मैम, y की 1 आ रही है और x की 2। ओके,
प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, तो हमें पता चल गया वाई वन है और एक्स टू है. क्लियर है, सबको क्लियर है? x माइनस टू है, माइनस टू. क्लियर कर लो, सब चेक कर लो एक बार. माइनस टू है. अब ये वाला पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना? बोलो बच्चों. यस. थ्री इंटू माइनस टू प्लस टू इंटू वन प्लस फोर प्लस लैम्डा टाइम्स टू इंटू माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन इक्वल्स टू जीरो. तो माइनस सिक्स प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस फोर प्लस फोर, ये तो कुछ नहीं बना, तो यहां से तो लैम्डा नहीं आया. फिर क्या करें? मैम एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? कौन सा मैम? एंगल को कंसीडर करके. एंगल्स, एंगल से नहीं, एक चीज वो लगा सकते हो. आपने कंसेप्ट पढ़ा था परपेंडिकुलर वाला, क्या था वो? परपेंडिकुलर का कंसेप्ट पढ़ा था ना? बताइए. ये पॉइंट वन कॉमा माइनस टू ही आ रहा है कि वन कॉमा वन आ रहा है, ये बताओ. माइनस वन मुझे चेक करना पड़ेगा फिर. बताइए बच्चा. मैम x की वैल्यू माइनस टू और y की वन ही आ रही है. ओके. तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर आपने वो देखा होगा कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे तो ये क्या कुछ था ना, वो परपेंडिकुलर का कंसेप्ट क्या पढ़ा था अभी? मैम उनका प्रोडक्ट. कुछ सोचना पड़ेगा, हम सोचेंगे. भी एक पॉइंट आएगा जहां से इन दोनों पे परपेंडिकुलर जो होंगे, अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट हो, ये बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट हो, तो यहां से दोनों परपेंडिकुलर इक्वल होंगे, राइट ना? एग्री और नॉट एग्री? यस मैम. तो क्या हम कोई पॉइंट निकाल सकते हैं जो बी पे लाई करे? हाँ देखो, अगर सपोज इसके लिए मैं एक्स वन ले लू और वाई माइनस वन ले लू, तो ये पॉइंट आपकी इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, बाइसेक्टर पे. बोलिए. वन कॉमा माइनस वन लाइज ऑन बाइसेक्टर. एग्री? यस. तो पीएम का डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू पीएन का डिस्टेंस. हम ही समझ नहीं आ रहा, आपने वैल्यूज कैसे लिए एक्स और वाई की? वन माइनस कोई भी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई कर दे, मिनिमम वैल्यू. जब x 1 होगा, y माइनस 1 होगा, मिनिमम वैल्यू होगी, तो इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना. ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा होगा ना, बाइसेक्टर वाली पे. यस मैम. एनी रैंडम पॉइंट, कुछ और भी ले सकते हो. ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि अगर ये बाइसेक्टर वाली लाइन है, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अंतिमा और जो एल वन पे किए, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर है.
तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है ना, लाई करना, कैसे लगाएंगे, 3 into 1 प्लस 2 into -1 प्लस 4/√3² प्लस 2² इज इक्वल टू, सेम वे इस पे लगा लोगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट। यस मैम। जब इस पे लगा लोगे तो यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा और लैम्डा को वापस से यहाँ पे पुट कर लेना और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट देखिए। अरे मैम ये क्वेश्चन कहाँ से डाल दिया, ये इसका थोड़ी होगा, ऐसा डाउट है किसी का? पढ़ो। द ओनर ऑफ अ मिल्क फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर, 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर, अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप, इट मींस लाइन की बात करें, बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स विल ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर, हो जाएगा डियर? अगर मैम ऐसा क्वेश्चन बुक में भी है ना, है, लीटर ऑफ मिल्क है, ठीक है जी, पी प्राइस है पर लीटर, तो लीनियर रिलेशनशिप क्या बनेगा, एल मस्ट बी इक्वल्स टू, कैसे बनाएंगे, एम इंटू पी प्लस बी आएगा, बी कोई भी कांस्टेंट होएगा डियर स्टूडेंट्स, पहले कितना कर रहा है सेल, 980 इज इक्वल टू, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, 14m प्लस बी बनेगा, दूसरी बार 1220 इज इक्वल टू 16m प्लस बी बनेगा, बताओ क्लियर है? यस मैम। इन दोनों को सॉल्व करके m आ जाएगा? यस मैम। ठीक है, जब m आ जाएगा तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो बी निकल आएगा। यस मैम। जब बी निकल आएगा उसके बाद आपको क्या करना है, एल कैलकुलेट करना है, एम पता है बी पता है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो आपका प्राइस है पी, मतलब एम पी प्लस बी, तो पी की वैल्यू कितनी पुट करनी है, तब 70, एल निकल आएगा। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके चलिए नेक्स्ट, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, मैंने मेंशन भी कर दिया कि जेई में आया था ये क्वेश्चन, दिख रहा है सबको? यस मैम। अब ध्यान से सोचना, इफ अ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ट्राइसेक्टेड एट अ पॉइंट 4, 3 व्हिच इज नियरर टू एक्स एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज, अब सोचो, पता क्या कहना चाह रहे क्वेश्चन, डायग्राम बना दो फिर हो जाएगा, एक इंटरसेप्ट फॉर्म है, ऐसी लाइन है, ठीक है, इट मींस अगर ये पॉइंट 0, b है तो ये पॉइंट 1, 0 होगा डियर स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस के पास ये 4, 3 पॉइंट है, अगर ये 1 है ये 2 पार्ट है, यस मैम, तो इक्वेशन बन जाएगी, आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b इज इक्वल्स टू 1, बस a और b आपको सेक्शन ऑफ फार्मूला से कैलकुलेट करने हैं और आ जाने, बताओ मेंस का क्वेश्चन है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, तो ऐसा ही पूछेगा मेंस आपसे। नेक्स्ट देखिए, इफ अ लाइन l इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x - y इज इक्वल्स टू 1 एंड द एरिया ऑफ द एंगल फॉर्मड बाय l एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 5 देन द डिस्टेंस ऑफ लाइन l फ्रॉम द लाइन 5x + 5y इज इक्वल्स टू 0, डायग्राम मस्ट है, कैसे करोगे? हाँ जी, पहले लाइन बना लो आपके पास जो है 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, पॉइंट निकाल के कि जब x 0 होगा y माइनस 1, y कितना आएगा -1, और जब y 0 होगा तो x कितना आएगा 1/5,
बोलो माय डियर. यस मैम. बना लिया. उसके ऊपर एक लाइन पास कर दो एल जो परपेंडिकुलर है. फिर उससे ट्रायंगल बन रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस और आपकी लाइन के बीच में. डायग्राम बन गई सबकी. पहले ये क्लियर करो फटाफट. यस मैम. ठीक है. तो आप लोगों ने बनाया कि मेरे पास एक लाइन है 5x - y = 1. इट मींस जब मेरा एक्स जीरो है तो y की वैल्यू -1 है और जब y जीरो है तो x की वैल्यू 1/5 है. क्लियर है. इट मींस ये लाइन कुछ कैसी बन रही होगी. ये लाइन कुछ ऐसी जा रही है. दिस इज 5x + -y = 1. क्लियर है बात. यस मैम. फिर इस लाइन पे कहीं से कोई आके परपेंडिकुलर गिर रहा है. डायग्राम थोड़ी उल्टी पुल्टी हो सकती है. आपका इसका ट्राइंगल फाइंड करना है एरिया. और इसका एरिया आपको 5 दे रखा है. अब मेरी बात सुनो. अगर आपकी गिवन लाइन जो है उसकी जो इक्वेशन है वो 5x - y = 1 है तो परपेंडिकुलर लाइन एल की इक्वेशन क्या बनेगी. मैंने बताया था आपको एक्स वाई प्लस के. एक्स और वाई का कोफिशियंट चेंज कर दो. 5 आ जाएगा इसका 1 चला जाएगा और y का साइन चेंज माइनस का प्लस कर दो. क्लियर है ये बात. इक्वल्स टू 0. यस सर. ठीक है जी. ओके. तो x + 5y = -k. तो x/-k + y/-k/5 = 1. तो l लाइन की इक्वेशन ये बन गई. क्लियर है. तो इसमें परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास -k/5 और प्लस प्लस ही लोगे ना मैग्नीट्यूड लोगे और बेस कितना हो गया k. राइट. क्लियर. तो 1/2 k × k/5 किसके इक्वल दिया अंतिम 5 के. तो k स्क्वायर किसके बराबर आ गया 50 के. तो k की वैल्यू कितनी आ गई +-5√2. यस मैम. ठीक है. अब उन्होंने क्या बोला. डिस्टेंस ऑफ अ लाइन एल फ्रॉम x + 5y = 0. क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो. क्या करोगे. दो इक्वेशंस बन गई दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा. दिमाग चलाओ. अब ये सोचो आपको लाइन दी है x + 5y = 0. इट मींस ये लाइन 0,0 से पास होएगी. यस मैम. यस मैम. आपके पास इक्वेशन बनी x + 5y + 5√2 = 0 और दूसरी बनी x + 5y - 5√2 = 0. दोनों से डिस्टेंस सेम ही रहेगा. अंजलि हर्षिता. Yes, तो कोई भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो. 0 + 0 + 5√2. मैम ये लाइंस पैरेलल होंगी ना तो C1 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते. नहीं हमें लाइंस के बीच में डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है. हमें इस गिवन लाइन का इन लाइन से डिस्टेंस कोई भी एक डिस्टेंस फाइंड कर दो. मैम तो वो भी तो पैरेलल ही है. नहीं वो पैरेलल कहाँ है. हाँ पैरेलल हो सकती है इट्स फाइन. लेकिन इन दो के बीच में नहीं ना. आपको इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है. यस मैम. तो मैम मैं उन्हीं के बीच की कह रही हूं. वो पैरेलल ही तो है. इन दो के बीच में सीधा निकाल लो तो आपके पास आ जाएगा 5√2 - 0/√2. सेम ही कैलकुलेशन आएगी 1+25. इट मींस 5√2/√26. यस मैम. ठीक है जी. तो आपका आंसर कितना आएगा. कौन सी ऑप्शन करेक्ट दे रही है. 5/√13. यस मैम. मैम रूट को कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में से. फिर वो कैंसिल हो जाएगा. 5√13 यूनिट्स आ गया ना. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. बताइए क्लियर है. यस मैम. मतलब समझ आया. फॉर्मूला कुछ भी नया नहीं था. मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी कि जब भी क्वेश्चन मेंस या एडवांस की बात होती है तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं. क्लियर है. और डायग्राम तो बनानी ही पड़ेगी अगर आपको इजीली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है. क्लियर है. डन. वन लास्ट क्वेश्चन है. हैव अ लुक. फटाफट देखिए.
ध्यान से देखना, सर्कुमसेंटर ऑफ ट्राइंगल लाइज एट ओरिजिन, सेंट्रोइड इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस. देन फॉर एनी ए ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल लाइज ऑन द लाइन. बताओ कैसे करोगे, ये कुछ ऐसे सोचोगे. ठीक है, सर्कुम सेंटर कहां पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे. बात खत्म होगी. बोलिए माय डियर स्टूडेंट्स. यस मैम. यस मैम. उसके बाद आपको क्या दिया, एक सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड है और यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है. क्लियर. सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हो क्योंकि वो मिड पॉइंट है ये दो लाइन सेगमेंट का. इट मींस इसके कोऑर्डिनेट आ गए ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए बाय टू कॉमा, और इसके आ गए ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए बाय टू. क्लियर है. यस मैम. ये एक बार रिपीट कर दीजिए. देखिए आपके पास तीन चीजें हैं, सर्कुम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर. ठीक है. फॉर एनी ट्राइंगल, कल हमने पढ़ा था किसी भी ट्राइंगल के लिए सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और ये सर्कुम सेंटर तीनों कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं. यस मैम. और जो सेंट्रॉइड होता है किसी भी ट्राइंगल के लिए, वो सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है. यस मैम. बताओ होमवर्क किया था कल सबने. बोलिए, पढ़ा था ना स्पेशल. yes. ठीक है. अब सेंट्रोइड जो है वो उन्होंने बता दिया कि ये दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, हमने निकाल लिया. अब तो देखो क्वेश्चन क्लियर ही हो गया. अब बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत है. नो मैम. अब क्या करना है, क्या आप ऑर्थो सेंटर फाइंड कर सकते हो. सेक्शन फॉर्मूला से ऑर्थो सेंटर फाइंड कर सकते हो या नहीं. यस. ठीक है ना. जब आपने ऑर्थो सेंटर फाइंड कर लिया, आपके पास एक इक्वेशन बन गई, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, चाहे टू पॉइंट फॉर्म लगा दो. उन्होंने बोला कि किस वैल्यू ए के लिए आपकी ये इक्वेशन क्या बनेगी, कहाँ पे लाई करेगा, तो टू पॉइंट फॉर्म लगा दो फिर. डन. क्लियर हो जाएगा. ऑप्शन बता दूं, नहीं होएगा तो बताना फिर. डी ऑप्शन आएगा आंसर इसका. डन. यस मैम. तो मैं एक्सपेक्ट करूं मंडे को कितने लोग पढ़ के आएंगे. ग्रेट. पढ़ के आना है अगर हमें क्लियर करना है, सिंपल सी बात है. अगर हमें स्ट्रेट लाइन आएगा तो ही कॉनिक समझ पाएंगे ना. यस मैम. तो हमें yes, इसके रिलेटेड जो भी नोट्स एवरीथिंग आपको पता है, आपको वो करना है bit.ly/chinu mam. आपको सारी नोट्स, डीपीपीस, मॉड्यूल सब कुछ अवेलेबल है, राइट. बल्कि आज तो मॉड्यूल्स भी अपडेट हो गए आपके स्ट्रेट लाइन के. तो गो थ्रू दैट, एक बार पूरा संडे कंज्यूम करो, चीजों को पढ़ो. ठीक है जी. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. मंडे हमारी क्लास है. ओके मैम. ओके देन.